डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का आंसर है सारे प्रश्नों का। इसमें अभी जो ओपन बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है कक्षा 12वीं का, उसका सारे प्रश्नों के आंसर है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सीधे सीधे आंसर है। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन से, या तो आप YouTube से ही देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा आंसर मुझे बनाना है, इसलिए ऐसे ही डाल दिया हूँ। क्वेश्चन 1 है, ध्यान से देखते जाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 1 के सारे आंसर है। आप क्वेश्चन जो है पेपर आपके पास होगा, मिलान कर लेना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा स्क्रीन को, ताकि वीडियो जो है शॉर्ट में बने। ये क्वेश्चन 1 का है दोस्तों। क्वेश्चन 2 का है, ये है ना सही विकल्प। उसके बाद क्वेश्चन 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, गावस्कर वाला क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लेना, सारा पूरे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर एक ही है, कोई सेट नहीं है, है ना। सारा प्रश्न एक ही है और आंसर भी सेम है। वीडियो क्वालिटी 360p करके देखिएगा, है ना, साफ सुथरा दिखेगा। एक क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर है उसको मिलान जरूर कर लेना, है ना। सेम वही क्वेश्चन है और उसके आंसर है। ये डू इज डायरेक्टेड है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, देखिए लाइन से है सभी, है ना, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन 16 है, सभी डू इज डायरेक्टेड है। सर जी आप तो समारे नरियर फटा नहीं फड़ा। क्वेश्चन 17, ये भी डू इज डायरेक्टेड है। इसके बाद क्वेश्चन 18 जो है ऐसे है दोस्तों, ये तो मैंने मैच का लिख दिया है, है ना, एनी मैच कैसे है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, मैच का ही है ये, पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 19 है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 20 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने सीधे सीधे चारों क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, आप क्वेश्चन का मिलान उससे कर लीजिएगा, लाइन से है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 21 है, ये भी पैसेज है, चारों क्वेश्चन के आंसर स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस पहला क्वेश्चन है, इसके भी आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 22 है, ये भी एक पैसेज है, इसको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है, चारों क्वेश्चन का आंसर इसमें मैंने लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 23 है, फिल इन द ब्लैंक्स इस पर जो है आंसर लिख कर डाल दिया हूँ, उसी को आप देख कर नोट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 24 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन सूटेबल हेडिंग एंड फ्रेसिस। तो यह फ्रेसिस मैंने इसमें लिख दिया है दोस्तों। ये हेडिंग है इसका, यहाँ पर हेडिंग कार्ड्स ऑफ टीवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है,
ये 25 का आंसर उसके जस्ट सामने कर दिया हूँ, टिक लगाया हूँ। एरर्स यानी गलती ढूंढना है, जहाँ पर गलती हुआ है तो गलती को ढूंढकर यहाँ पर लिख दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों वाच करने के लिए। इसके बाद हिंदी का आंसर आएगा और आर्ट्स के कुछ और सब्जेक्ट।